रिसेंटली आने वाले कैसरी फिल्मों का बड़ी अपडेट अनाउंस हुई है और जहां पर केजीएफ 2 से शुरू करके बीस्ट का अपडेट भी शामिल है। दोस्तों इस लिस्ट पर कौन कौन सी फिल्म है जानने के लिए शुरू से अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 16 वीरमा नायक का अपडेट, और जहां पर ये रहा पावर स्टार पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती का एक्शन ड्रामा फिल्म और दोनों का बराबर टक्कर, सबको किया है काफी इंप्रेस्ड। और बताए दोस्तों अभी ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार और साथ में आहा पे स्ट्रीमिंग की गई है, और जहां पर आहा पे फर्स्ट डे पर वीरमा नायक 100 मिलियन स्ट्रीमिंग पर मिनट व्यूज क्रॉस किया है और ऐसे करके वीरमा नायक किया है ऑल टाइम रिकॉर्ड। नंबर 15 नाने वाड़ुवेन का अपडेट, और ये है धनुष राजा का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट। और बता दोस्तों एक नया पोस्टर के साथ इस फिल्म का शूटिंग का अपडेट की गई है रिवील्ड। और बता दोस्तों अभी इसका शूटिंग फाइनल स्टेज पर है और एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म होगा जहाँ पर इसी फिल्म के साथ धनुष राजा और सिलवाड़ा गवान का होगा फोर्थ कोलाबोरेशन। नंबर 14 द वॉरियर का रिलीज डेट, और जहाँ पर यह है एनर्जेटिक स्टार राम पोथिनेनी का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर राम को आदिपी निशेट्टी के साथ बराबर टक्कर देते हुए नजर आएंगे। और इसमें राम ने प्ले करने वाले हैं एक कॉप का रोल और जो रिलीज होगा 14 जुलाई तेलुगु और तमिल भाषाओं में। नंबर 13 गॉडफादर का अपडेट, तमिल का काफी टैलेंटेड डायरेक्टर मोहन राजा अपने नेक्स्ट फिल्म का शूटिंग कर रही है मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ। और बता दोस्तों ये है मलयालम का ब्लॉकबस्टर फिल्म लूसीफर का तेलुगु रिमेक, और जहाँ पर बॉलीवुड का सुपरस्टार भाईजान सलमान खान को एक कैमियो पर नजर आएंगे। और रिसेंटली भाईजान सलमान का शूटिंग का पोर्शन कम्प्लीट हो गई है और इसमें सलमान का होगा पावरफुल कैमियो। नंबर 12 पुष्पा द राइज का टीआरपी रेटिंग, और जहाँ पर पुष्पा थिएटर पर बॉक्स ऑफिस तोड़ कर किया है कलेक्शन, और अभी टीवी प्रीमियर पर भी पुष्पा टीआरपी रेटिंग पर सेकेंड हाइस्ट टीआरपी हासिल किया है। और बता दोस्तों नंबर 1 पर है स्टार अल्लू अर्जुन का ही फिल्म आला वैकुंठा पुरमुलो जिसका टीआरपी था 29.40, और नंबर 2 पर है अल्लू का ही फिल्म पुष्पा और जिसका टोटल टीआरपी मिला है 25.20, और स्टार मा का टॉपर टीआरपी वाला फिल्म है पुष्पा। नंबर 11 मिशन सिंड्रेला का रिलीज डेट, और जहाँ पर यह है अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म, और इसमें खिलाड़ी आकी को पुलिस बलात्कार में नजर आएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि यह है राज शासन का ऑफिशियल रिमेक जिसका ओटीटी राइट सोल्ड हो गई है 135 करोड़ में, और जो एक बिगेस्ट डील है, यानी कि मिशन सिंड्रेला थिएटर नहीं बल्कि ओटीटी पर रिलीज हो रही है 29 अप्रैल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। नंबर 10 माचेला नियो जाकावर्गम का अपडेट, और जहाँ पर यह है यंग एक्टर नितिन का अपकमिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर नितिन को गुंटूर का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि एक आईएएस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। और इसमें नितिन का होगा एक मास राफ्ट पलाफ्तर, और नितिन का यह अपकमिंग फिल्म 29 अप्रैल 2022 में होगा रिलीज। नंबर 9 विक्रांत रोना का अपडेट, और यह है कन्नाडा का मोस्ट हाइबल अपकमिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर कीचा सुदीप को एक कॉप विक्रांत रोना के रोल में नजर आएंगे, और जिसका फर्स्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा 29 मार्च, यानी कि सुदीप का फैंस के लिए एक स्पेशल ट्रीट आ रही है। और बताए दोस्तों जहाँ पर विक्रांत रोना 14 लैंग्वेज पर 3D पे पूरे वर्ल्ड वाइड पर होगा रिलीज। नंबर 8 रेवेंस्टर प्रभास का फिल्म अपडेट, जहाँ पर पहले बात कर उनका अपकमिंग फिल्म सालार को लेकर, जहाँ पर मेकर्स का कहना है कि सालार 1 नहीं बल्कि टोटल 2 पार्ट में रिलीज कर दिया जाएगा, और जो रिलीज करने का प्लान है 2023 का अप्रैल में। और बता दोस्तों सालार का अभी 30% शूटिंग कम्प्लीट हुआ है, और जिसका 70% शूटिंग मे मंथ पे की जाएगा। और दूसरी तरफ प्रभास का दूसरा अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष की बात करूँ तो आदि पुरुष भी सालार की तरह टोटल 2 पार्ट में रिलीज करने का प्लान चल रही है। और तीसरी तरफ प्रभास का रिसेंट रिलीज फिल्म राधेश्याम की बात करूँ, जहाँ पर राधेश्याम प्रोड्यूसर का एक ह्यूज लॉस हुआ है, और इसी वजह से रविस्टर प्रभास ने अपने पॉकेट से 50 करोड़ का एक अमाउंट वापस करने वाले हैं। नंबर 7 बीस्ट का अपडेट, और जहाँ पर यह है थलपति विजय का नेक्स्ट अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म, और जहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें थलपति विजय को थुपक्की वाला एक्टर में नजर आएंगे, और इसमें उन्होंने प्ले करने वाले हैं कॉन एजेंट का रोल, यानी कि इसमें थलपति विजय को एक चैलेंजिंग मिशन पर नजर आएंगे। और बता दोस्तों रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक बीस्ट फिल्म रिलीज होगा पैन इंडिया में, यानी कि टोटल 5 लैंग्वेज ये फिल्म हो रही है रिलीज, और जिसका हिंदी टाइटल रखा गई है रॉ।
अब इसका टीजर रिलीज करने का प्लान है 1 अप्रैल। नंबर 6 रिदायम रीमेक। और बताए दोस्तों, रिदायम रहा मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म, जहां पर प्रणव मोहनलाल कल्याणी प्रिया दर्शन को लीड रोल में नजरी है। और रिसेंटली इसका हिंदी रीमेक राइट सोल्ड हो गई है। और बताए दोस्तों, जहां पर ब्लॉकबस्टर मूवीज का रीमेक राइट खरीदने में करण जौहर ने है बॉस। और जहां पर रिदायम का सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि तमिल तेलुगु रीमेक राइट भी सोल्ड हो गई है। नंबर 5 विराता पर्वम का अपडेट। और ये है राणा दग्गुबाती और साई पल्लवी की अपकमिंग प्योर ड्रामा फिल्म, जिसका OTT और सैटेलाइट राइट सोल्ड हुआ है 50 करोड़ में। और मेकर्स ने OTT पर इस फिल्म को रिलीज करने का प्लान करी है, पर अभी तक की रिलेटेड कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। नंबर 4 पठान का अपडेट। और बॉलीवुड का मोस्ट हाइपर अपकमिंग प्रोजेक्ट है पठान। और सभी लोग जानते हैं कि पठान का शूटिंग स्पेन पे हो रहा था, और आज यानी कि 27 मार्च इसका शूटिंग कम्प्लीट हुआ है। और अभी पठान का पैचअप वर्क खत्म होने के बाद 100% शूटिंग कम्प्लीट हो जाएगा। और रिसेंटली बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख का एक सॉलिड 8 पैक वाला पिक्चर हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल, और ये सबको किया है काफ़ी हैरान। पता दोस्तों, SRK को इसमें एक पावरफुल रॉ एजेंट के रोल में नजर आएंगे। नंबर 3 गोल्ड टीजर। और यहाँ पर यह है मलयालम का अपकमिंग थ्रिलर फिल्म, जहाँ पर पृथ्वीराज सुकुमारन और साउथ का लेडी सुपरस्टार नयनतारा को नजर आएंगे। और बता दोस्तों, ये टीजर सबको किया है काफ़ी इम्प्रेस्ड, जहाँ पर ये रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग। और ये मलयालम का फर्स्ट टीजर है जो 20 आवर के अंदर 5 मिलियन व्यूज क्रॉस किया है, यानी कि मलयालम को मिलने वाले है दूसरा ब्लॉकबस्टर फिल्म। नंबर 2 सिटाडेल का अपडेट। और ये अपकमिंग हिंदी वेब सीरीज है जिसको डेट करी है राज एंड DK ने। और बताए दोस्तों, इसमें वरुण धवन के साथ समानता को एक साथ नजर आएंगे, और जिसका शूटिंग की जा रही है मुंबई और यूरोप पे। नंबर 1 KGF 2 का ट्रेलर। और फाइनली पूरी इंडिया जिस फिल्म का ट्रेलर के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, वो ट्रेलर यानी कि KGF 2 का ट्रेलर हुआ है लॉन्च। और ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर पे रॉकिंग स्टार यश का पावरफुल अवतार और इंटेंस BGM ट्रेलर को ले गई है हायर लेवल पे। और ट्रेलर का हर एक सीन रहा काफ़ी एंगेजिंग, और जिस तरह का ट्रेलर है वो अनडाउटली कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, जहाँ पर सभी कैरेक्टर को काफ़ी इंटेंसली इंट्रोड्यूस की गई है, चाहे वो रवीना हो या फिर बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त यानी कि अधीरा, या फिर मलाविका और श्रीनी थिकी रोल को भी। और एक सुनामी है KGF 2 का ट्रेलर, और आस्ती तूफान आने वाले है बॉक्स ऑफिस पे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अनंत नाग का रिप्लेसमेंट की गई है प्रकाश राज के साथ। KGF 2 का ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट पे बताइएगा। तो सही रहा कुछ नया फिल्मों का बड़े अपडेट के बारे में। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।